ये जेलो का इंजन बनाएं, इसका फैन बेल्ट जो है कैसे चढ़ाया जाता है वो आपको बताएंगे। देखिए ये फैन बेल्ट पहले हम पहना लिए, पावर स्ट्रिंग के अंदर रहता है, पहले पावर स्ट्रिंग का बेल्ट आपको पहनना पड़ेगा। पावर स्ट्रिंग का बेल्ट देखिएगा कितना लूज है, इतना ही लूज रखने पड़ेगा, ना इससे ज़्यादा टाइट ना लूज। इससे ज़्यादा अगर टाइट कीजिएगा तो वायरिंग टूटने का डर रहेगा और लूज रहने पर आवाज़ करता है। ओके, अब इसका डायनेमो बेल्ट कैसे चढ़ाया जाता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले हम मेन पुल्ली में देखिए बेल्ट ले लिए, अब उसके बाद सीधा बेल्ट जो है ना हम एडजस्टर में ले लेंगे। एडजस्टर से डायरेक्ट हम बेल्ट को ले लेंगे एसी कंडीशन में, और एसी कंडीशन से डायरेक्ट डायलमो में ले लेंगे, और डायलमो से ये कैम होते हुए बेल्ट आपका आ जाएगा मेन पुल्ली में। इसलिए आसानी से बैठ गया ये देखिए मेरा बेल्ट बैठ गया आराम से। अब 14 नंबर का रिंग से हम टेंशन ना दबा के बेल्ट जो है हम बैठा लेंगे। उसकी और उसके बाद हम इसको दाहिने तरफ दबाएंगे, देख सकते हैं देख सकते हैं ये मेरा बेल्ट बैठ गया। अब इसको हम छोड़ देंगे। ये है जेलो का बेल्ट चढ़ाने का आसान तरीका। मेन पुल्ली से डायरेक्ट कैम में, कैम से चला गया ये फॉल्स पुल्ली में, ये ऐसे रहता है, उसके बाद डायलमो में, और डायलमो होते हुए एसी में, एसी से घूम कर डायरेक्ट एडजस्टर में, फिर आ गया आपका केरिंग का पुल्ली में। थैंक यू।